हेलो गाइस मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने इस मॉडल को बनाया है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो हम आ गए हैं जी ब्रश में तो मॉडल बनाने के लिए मैंने एक बेस मैश लिया है लिया था लाइट uh, बॉक्स से जो है निक ह्यूमन मेल मॉडल ठीक है इसको मैं जस्ट डबल क्लिक करता हूँ लाइट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ ठीक है और मैं टी प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड uh, में लेकिन मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस दिखाना भूल गया हूँ एक्चुअली मैंने जो रेफरेंस यूज़ किया था वो ये वाला रेफरेंस था जो मैंने इंटरनेट से निकाला है और और मेरे दिमाग में कुछ था नहीं कि यू नो कैसे इसको यू you नो know, जैसे मैं जब सर्च कर रहा था इंटरनेट पे एंड देन मुझे ये स्ट्रक्ट हुआ कि यू नो ऐसा कुछ मुझे बनाना चाहिए मैंने इंटरनेट से और भी रेफरेंसेस डाउनलोड किए थे जैसे यू you नो know, ऐसा कुछ टाइप के मटीरियल यू नो जो क्लोजअप में देख सके ये ये मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिया था मैंने और जैसे ये एक है कुछ इस तरीके का ये कुछ है ये जो मैंने बनाया था उसके पीछे आप आगे वीडियो में देखोगे और ऐसा मैंने कुछ और भी रेफरेंसेस ढूंढे ढूंढे सिमिलर जो उससे यू you नो know, मिलता जुलता हो तो ये कुछ यू you नो know, रेजिमेंट के है कुछ वगैरह इस तरीके के कुछ इमेज़ तो हमेश हमें हमेशा लाइक एक ही रेफरेंस पे यू नो डिपेंडेंट नहीं रहना है जो हमारा ये था हमें और भी रेफरेंसेस ढूंढ दुन, ढूंढना चाहिए जब भी हम मॉडल करते हैं तो क्या है एग्जैक्टली exactly, उसकी हिस्ट्री क्या है वगैरह बहुत कुछ यू नो डिटेल में जाना होता है कि कैसे इनके शूज़ होते हैं वगैरह कैसे इनके लेदर स्ट्रैप्स होते हैं आप देख सकते हो uh, इसके थोड़े अलग है लेकिन इसके शूज़ के कुछ अलग है और कैसे फोल्ड्स होते हैं किस शेप के होते हैं यू नो तो एक से हमें समझ में नहीं आता है तो इसलिए हमें लाइक like ऐसे मल्टीपल रेफरेंसेस भी ढूंढने होते हैं तो ये कुछ मैंने नाइफ़ के रेफरेंसेस uh, निकाले आप इसमें मटेरियल भी समझ सकते हो कि ये कैसे मटेरियल है यू नो वुड किस चीज़ का बना हुआ है यू you नो know, क्या क्वालिटी का बना हुआ है मैं और भी दिखाऊँगा ये शूज़ के कुछ टाइप्स है जो मैंने इसमें से थोड़े कुछ लिए है यू नो शेप वगैरह और कुछ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं तो क्योंकि इन इसने गन पकड़ा है तो मैंने गन के भी कुछ और भी रेफरेंसेस निकाले आप देख सकते हो तो ना उसके जो आगे के तलवार है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ तो ये जैसे नाइफ़ है तो ये किस टाइप की नाइफ़ है और क्या इसका मटेरियल है आप देख सकते हो किस तरीके का ये ना वुड है वगैरह कैसा ये मेटल लग रहा है कैसे उसकी फ़ीलिंग आ रही है किस कितना शाइननेस है उसके इसमें तो ये भी मैटर करता है और आप देख सकते हो यहाँ पे यू नो वुड की क्वालिटी ये बहुत ज़्यादा ब्रोकन है बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है नीचे वाला लेकिन ऊपर वाला थोड़ा बहुत यू मतलब यूज़ किया हुआ है लेकिन लाइक इसको भी वक्त हो गया है लेकिन नीचे वाले को लाइक और भी ज़्यादा लाइक उसके मेटल से ही आप समझ सकते हो कि यू नो दोनों में क्या डिफ्रेंस है और कितना पुराना हो सकता है वगैरह और उसके साथ साथ मटीरियल कैसे है उसका यू नो जैसे ही ओल्ड होते होता है तो यू नो कैसे उसकी ब्रेक ब्रेक आती है आप देख सकते हो यहाँ पे चिप्स है वगैरह ये हल्का सा ब्रेक ब्रेक है हल्का सा बहुत बहुत माइन्यूट है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम सेम चीज़ है तो काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाली और जब मैं बना रहा था ये सारी चीज़ें तो मैं सोच रहा था कि किसी एक को फॉलो करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अगर फॉलो करता हूँ लेकिन ये इस तरीके का दिखता नहीं है तो मैंने क्या किया एट दी एंड आप देख सकते हो और भी है कुछ मेटल के कैसे उसकी यू नो वेयर एंड टेयर होती है मेटल की वो भी काफ़ी यू नो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे देख सकते हो मेटल की क्वालिटी कैसे इसके अंदर का डिटेल है वगैरह ठीक है और मेरा गोल था कि यू नो मैं क्वालिटी वाइज दिखाऊं कि कैसा उसका एक्चुअली मटेरियल होना चाहिए आप एक्चुअल में मॉडल देखोगे आगे तो मैंने उसको काफ़ी हाई रेजोल्यूशन मॉडल बनाया इस चीज़ को ठीक है तो ऐसे कुछ रेफरेंसेस है और एट दी एंड मैंने क्या किया कि इसको ही मैंने कट कर दिया इतने पोर्शन को फ़ोटोशॉप में और फिर मैंने इस तरीके का इसको लेआउट कर दिया आप देख सकते हो इसका हाथ भी है यहाँ पर और ये स्ट्रेट मैंने कर दिया इसको और फिर इसी को ही मैंने यू नो बेस रेफरेंस रख के uh, इसके ऊपर ही मैंने मॉडल किया ताकि यू नो आउटपुट जो है सिमिलर आए उसका मैंने यहाँ पर और भी इमेजेस निकाले थे जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके का कुछ यू नो रेंडर है और कैसे इसकी लाइटिंग आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ मिखाइल कुट्स की कोई तो है आप देख सकते हो इसका नाम आर्ट स्टेशन पे यू नो चेकआउट कर सकते हो इसका वर्क और जो कि काफ़ी अच्छा है आप देख सकते हो मैं जितना जूम कर रहा हूँ वो इतना अच्छा क्वालिटी भी दे रहा है तो मैं इस तरीके की कुछ फीलिंग ला रहा लाने की कोशिश कर रहा था कि लाइटिंग इसकी कितनी अच्छी है एक्चुअली देखोगे तो यू नो आ, इसकी मटेरियल इसकी लेदर की मटेरियल इसकी ये जो मेटल है उसका मटेरियल देखिए यू नो काफ़ी अच्छा है हालांकि हैंड का कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप देख सकते हो क्लॉथ में कितनी डिटेल है उसकी यू नो लेदर भी बहुत अच्छी तरीके से यू नो वेर एंड टेयर हुआ है वगैरह और नाइफ़ है और शूज़ आप देख सकते हो आगे भी है इमेजेस और शूज़ की कैसी मटेरियल है यू नो कैसे उसमें डिफ्रेंशिएट है उस मटेरियल में तो ये चीज़ भी हमें यू नो ये सारे मटेरियल हमें कलेक्ट करने होते हैं यू नो बनाने के लिए स्टार्टिंग से वरना आप सिर्फ इस इमेज को ही यू नो रेफ़रेंस लेकर चलोगे तो आगे आपको दिक्कत आएगा आप आगे आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली आप आ, क्या बना रहे हो यू नो और फिर आपको आ, और भी यू नो इमेज़ और रेफरेंसिस की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए अच्छा है कि आप ऐसे मटीरियल्स ऐसे रेफरेंसेस निकाल कर रखो हालांकि जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था लेकिन मैं आपको बेसिक बता दूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसको मैंने यू you नो know, कैसे बनाया था मैं इसको थोड़ा टैग कर देता हूँ कंट्रोल एफ ट्वेल्व से डेस्क पिन है मेरे पास आ, इसको मैं साइड में ले लेता हूँ तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया था बाय यू नो आप देख सकते हो लेयर्स इस पर लेयर्स होते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो आर्म्स अप इस तरीके के इसमें होते हैं आर्म साइड और ओपन माउथ इस तरीके से अगर आपको कुछ यू नो स्टार्ट करना है आपका मॉडल तो जनरली ए पोज काफ़ी बेटर होता है स्टार्ट करने के लिए और इसके आर्म्स के यू you नो know, आप एंगल देख सकते हो काफ़ी इस तरीके का है स्ट्रेट है और फिर यहाँ पर इस तरीके का गया है तो ये ओपन माउथ को मैं ऑफ कर दूँगा और आर्म्स अब तो नहीं चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टूल में ये जो स्कल है ये भी हमें नहीं चाहिए तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा ओके okay. और आइस तो चाहिए वगैरह जस्ट बेसिक के लिए इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसके ऊपर यू नो फेस मास्क लगा हुआ है और बेस जो है चाहिए नहीं तो मैं सब कुछ यहाँ पे डिलीट करता हूँ सिवाय बॉडी के तो यहाँ पे डिलीट डिलीट और डिलीट ठीक है तो हमारे पास बचता है सिर्फ बॉडी और काफ़ी फास्ट uh, हो जाता है हमारा यहाँ से काम यू you नो know, फिर यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसे हम क्लॉथ बना सकते हैं वगैरह वगैरह तो सिंपल है यहाँ पे लो मास मास्क करके एक मिनट में ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से हम मास्क करके यू नो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ से से आप देख सकते हो आगे भी आप यहाँ पे नो मास कर दो इस तरीके का प्रस्पेक्टिव हमेशा ऑन रखना अगर कुछ स्पेसिफिक कर रहे हो लो, लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रस्पेक्टिव ऑन करना है तो काफी बेसिक है अगर मुझे कुछ यू नो सिमेट्रिकली कुछ देखना है तो ही मैं यू नो परसपेक्टिव को ऑफ रखता हूँ जनरली अगर मुझे ऐसा कुछ थ्री डी व्यू में अगर काम करना है तो प्रस्पेक्टिव हमेशा ऐसे इस तरीके से ऑन रखिए ठीक है थीके? तो और फिर इसके बाद हम यहाँ से यू नो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अच्छा अच्छी बात होगी अगर हमारे पास ओ हमारे पास ऑलरेडी पॉली ग्रुप था हाँ तो इस मॉडल में ऑलरेडी पॉली ग्रुप है तो मैंने ध्यान नहीं दिया तो हम इस पॉली ग्रुप को यूज़ करके यू नो सेव कर सकते तो यहाँ पर यू you नो know, हम इस तरीके का इतना पोर्शन हम ले सकते हैं इन्वर्स कर सकते हैं और फिर इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर होल है तो मैं इसको मैं एक्चुअली इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डी तो इसका डुप्लीकेट हो गया ठीक है और यहाँ से मैं इसका जो है स्कर्ट बना देता हूँ इसके लिए ना मुझे इसका हाथ का भी ज़रूरत पड़ेगा शायद से तो ये ये पॉली ग्रुप हम इस तरीके से इतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं नीचे का सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो इतना हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन हमने कर दिया डिलेट इन जो कि होता है यू नो मॉडिफाइड टोपोलॉजी जो होता है जोमेट्री में एंड देन मॉडिफाइड टोपोलॉजी ये ऐसे ऑफ होता है इसको जस्ट ऑन करना है आपको एंड देन डिलेट हेडन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैश एग्जीक्यूट हैज़ अ लेयर्स तो हमें लेयर्स को बेक करना होगा उसके पहले ये ये सारी चीज़ करने के लिए तो लेयर्स में आते हैं बेक ऑल करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये बता रहा है कि मैश you हेडन know, है तो कुछ होगा नहीं तो हमें सब कुछ अन अनहाइड करना होगा और फिर बेकॉल करना होगा तो सारे सब कुछ लेकर जाते हैं अब आके आप यहाँ पर यू you नो know, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से हैंड्स वगैरह तो इतना सिलेक्ट हो गया इन्वर्स कर दिया मैंने और फिर डिलेटेड एंड जो कि होता है जोमेट्री में टोपोलॉजी मॉडिफाइटोपोलॉजी डिलेटेड जो कि मैंने यहाँ पे यू you नो know, शॉर्टकट लिया हुआ है और आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास और एक निक ह्यूमन जो है ऑलरेडी अवेलेबल है इसको मैं शिफ्ट कंट्रोल डी करता हूँ और आप देख सकते हो नीचे जो है हमारा टी शर्ट बन गया है एंड देन मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ यहाँ पे रीनेमिंग से फॉर एग्ज़ाम्पल शर्ट एस एच आई आर टी शर्ट ओके okay, और यहाँ पे हम नेम दे सकते हैं जो भी है इसका नाम मैंने सार्जेंट रखा है सार्जेंट स्टीम पंख सोल्जर इस तरीके से तो यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हो जो भी आपको चाहिए एंड देन यहाँ पर आके आप थोड़ा सा इसको स्केल अप स्केल अप कर सकते हो यहाँ से यू नो ताकि अप करने से अच्छा है आप यू नो इन्फ्लेट कीजिए जो कि की होता है डिफॉर्मेशन में और फिर आप यहाँ पे आ सकते हो इन्फ्लेट थोड़ा सा इन्फ्लेट करना है वन परसेंट टाइप थोड़ा ध्यान से करना है लाइक फाइव फाइव ठीक लग रहा है ठीक है और ये सब कुछ बेस मैश है लाइक ये कोई फाइनल टोपोलॉजी नहीं है जो कि मैं ये कर रहा हूँ एंड देन आप यहाँ से आके यू नो आप इसको मूव कर सकते हो हालाँकि आप देख सकते हो बहुत कुछ छुपा हुआ है साइड से भी ये सब कुछ मेटल से छुपा हुआ है तो यू you नो know, आपको इतना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है तो आप यहाँ से मूव वूव कर सकते हो इस तरीके से नो you know, और आ, क्योंकि ये इतना बॉडी बिल्डर है नहीं तो इसको हमें यू you नो know, सब कुछ स्मूथ करना है क्लॉथ की फीलिंग लानी है ठीक है तो जैसे इमेज में दिख रहा है थोड़ा बहुत इस तरीके से आप यू नो करके आप पैंट का भी सेम कर सकते हो आप यहाँ पे देखोगे कि इतना ही है तो यहाँ पे रेफरेंस में देखोगे तो यहाँ से ये यह ओवर शेडो हुआ है ना तो आप ना यहाँ से आके एंड देन इसको मास्क करके आप थोड़ा सा नीचे भी ले सकते हो इस तरीके से इसको मैं क्या करता हूँ ये थोड़ा प्राइवेट पार्ट को इसको स्मूथ कर देता हूँ ठीक है और फिर आ, इसको मैं ऑन कर देता हूँ इसको सोलह से ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको और यू you नो know, मैं मूव करता हूँ इस तरीके से तो ऐसे मैंने जो है स्टार्ट किया था जब मैंने बनाने की यू you नो know, जब मैंने स्टार्टिंग में बनाने की कोशिश की थी तो इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया था ओके okay, अब देख सकते हो परस्पेक्टिव ऑन है अभी भी और अब देख सकते हो इसकी टोपोलॉजी यहाँ पे इस तरीके की गई है हम यहाँ पे यू you नो know, चेंज कर सकते हैं फ्रॉम जीरे मैशर तो यहाँ पर आ होता हूँ मैं सीरे मैशर करता हूँ यहाँ पे टारगेट टर, काउंट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टूब जितना आप लो रखोगे उतना अच्छा है अगर हाई रखोगे तो उतना आपको दिक्कत हो जाएगा यू नो स्मूथ ऊथ करने में तो जितना आप लो रखोगे कैरेक्टर वाइज तो उतना बेटर है तो इसको ये जीरो मेशर हो रहा है आप देख सकते हो स्ट्रेट आ हाँ गया है सब कुछ जो कि बेटर है क्लॉथिंग के लिए और फिर से मैं कह रहा हूँ ये कोई यू नो फाइनल मैच नहीं होता है जीरो मेशर ठीक है हमेशा इसको एडिट करना पड़ पड़ेगा हमें क्योंकि आप देख सकते हो इमेज में भी यहाँ पे क्लॉथ में जो है कट है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग देना है सेम विध पैंट भी हम यहाँ पे कर सकते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोश्यूफ्टी करता हूँ इसको मैं डुप्लीकेट कर दिया हूँ एंड देन इसको मैं सब पेंट कर देता हूँ ठीक है तो ये सिलेक्ट ये सिलेक्ट ये सिलेक्ट इसको मैं इनवर्स कर दिया ठीक है और फिर इसको मैं डिलीट हेडन कर देता हूँ और मैं नाम दे देता हूँ सॉरी ये क्या लिखा हुआ है बेक लेयर्स है ठीक है तो हम ऊपर वाले को सारे सब कुछ को बेक कर देते हैं ठीक है यहाँ पे आते हैं लेयर्स और बिकॉल और ऊपर वाले सब टूल को भी कर देते हैं मैं एरो की भी प्रेस कर सकता हूँ मेरे कीबोर्ड में ताकि वो यू नो चेंज हो सके बिना सब टूल यहाँ पर किए हुए यहाँ पर आते हैं लेयर्स में आते हैं बेकॉल ठीक है अब मैं लोअर लेयर में जाऊँगा आप देख सकते हो ये वाला सिलेक्टेड है एंड देन फिर वही है कि इसको इनवर्स कर दिया एंड देन डिलीट हिडन जो कि होता है जोमेट्री में टोपोलॉजी मॉडिफाइटोपोलॉजी जो टोपोलॉजी एंड देन डिलीट हिडन ठीक है और फिर मैं इसको मैं टाइम डमेज कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर शूज़ भी है तो लाइक उसके लिए भी मुझे जगह चाहिए सो so, uh, शूज़ के लिए भी सेम है यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन हम इसको पहले लेग बना देते हैं एंड देन हम यहाँ से जो है शूज़ बनाना शुरू करेंगे ठीक है तो uh, इसको मैं डायनमेज कर दूँगा ठीक है और इसकी इसको डाइनमेज करने के लिए मैं इसको लाइक एक पॉली ग्रुप कर देता हूँ ठीक है और इसको मैं मूव करता हूँ इसको जॉइंट करता हूँ आप यहाँ पर इन्फ्लेट ब्रश से भी कर सकते हो इसको जॉइंट तो आप देख सकते हो जैसे मैं सिक्स प्रेस करता हूँ तो आप यू नो इनफ्लिड ब्रश मतलब मैं जो मैंने शॉर्टकट यूज़ uh, किया हुआ है सिक्स प्रेस करने से यू you नो know, मेरा इनफिलिट ब्रश आ जाता है तो अगर आपने अगर मेरा uh, जो शॉर्टकट वाले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार वो देख लीजिए वहाँ पर मैंने बताया कि कैसे हम शॉर्टकट से जल्दी से ब्रश को सिलेक्ट कर सकते हैं इसी ब्रश में ठीक है तो यहाँ पे मैं इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एंड देन इसको मैं जोमेट्री में आके डायनमिश कर देता हूँ डायनिश रेजोल्यूशन देखना होता है कि कितना है तो जब भी मैं डायनामिश करता हूँ तो पहले मैं देखता हूँ कि कितना रेजोल्यूशन आ रहा है मैं यहाँ से नो no करता हूँ क्योंकि हमेशा सब डिवीजन लेवल होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि फ्रीज डिवीजन लेवलो एंटरिंग डायनामिश मोड तो यहाँ पर हमेशा नो no कीजिए तो ये डायनामिश हो जाएगा ठीक है यस yes करने से क्या होगा तो ये इस तरीके का कुछ डायनामिश है जो कि इसलिए हमेशा नो no करना है यहाँ पर ठीक है ऑलवेज से नो और यहाँ पे सॉरी डायनामिश कहाँ डायनामिश एंड देन इसकी हम रेजोल्यूशन भी बढ़ा सकते हैं यहाँ से और फिर नो करके यू नो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अलग पॉली ग्रुप हो गया एक पॉली ग्रुप करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू ठीक है और फिर मैं यहाँ पे आ सकता हूँ इसका नाम दे सकता हूँ पैंट ठीक है पी ए एन टी सॉरी यहाँ पे नाम यहाँ पी पी ए एन टी पैंट ठीक है और इसको एक पॉली ग्रुप दे दिया और यहाँ पे मैं डिफॉर्मेशन में आता हूँ मैं सब कुछ ऑन करता हूँ चिस्ट देखने के लिए और इसको मैं डिफॉर्मेशन में आके इन्फ्लेट का इस बटन पे आके मैं वन प्रेस करता हूँ तो ये थोड़ा बढ़ता है ऐसे ही टू प्रेस करूँगा तो ये और बढ़ेगा तो इस तरीके से आप यू नो मूव मूव फुल मूव टूल से भी कर सकते हो यहाँ से है ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का है और क्योंकि ये पैंट है तो ऑफ कोर्स ये ऊपर तक होगा तो इसको मैं ऑफ कर दूँगा इसको मैं इतना यू you नो know, मास्क कर देता हूँ एंड देन इसको यहाँ पर इतना मूव कर दूँगा जितना उसका हिप की तरफ है ठीक है और फिर यहाँ पे मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ तो इसमें लाइक वक जाता है फॉर यू नो इसको बस हमें स्ट्रेट करना है जैसे पैंट में होता है दैट्स इट थोड़ा स्कर्ट करना होगा आपको थोड़ी सी मेहनत है यहाँ पे लेकिन मैंने यहाँ पे एक्चुअली ध्यान नहीं दिया एक्चुअली मैंने बहुत ऊपर ले लिया एक्चुअली इसको मैं अनू कर दूँगा सबको मैंने मास्क किया था लेकिन यहाँ से इस तरीके से आप कंट्रोल और क्लिक करोगे इस मास्क पे तो ये थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाएगा और फिर आप इन्वर्स करके नो आप इसको थोड़ा ऊपर ले सकते हो इस तरीके से और यू नो बना सकते हो फॉर एग्जांपल इस तरीके का कुछ तो ये ये कैसे हो रहा है आप नॉर्मली अगर आपको मूव करना है यहाँ से तो आप यू नो कंट्रोल सॉरी अल्ट और यू नो यहाँ पे आप मूव ब्रश ले रहे हो अल्ट और क्लिक करके आपको जस्ट यू नो एक डायरेक्शन में खींचना है तो ये नॉर्मली जो है मूव होगा ठीक है हालांकि ये कैसा है फ्री मूव है राइट right? लेकिन आप अल्ट प्रेस करते हो तो थोड़ा सा यू you नो know, ये नॉर्मली मूव होगा जैसे इसके नॉर्मल्स हैं जो इसके फेसिस के नॉर्मल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है मूव होगा तो लाइक like यहाँ पे भी लाइक हम स्कल्प करके ना के कितना भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमें बस स्कोर फिर से फिर से रिपेयर करना है सब करके एंड रिपेयर एंड देन फ्लैट फिर से यहाँ से शिफ्ट पकड़ के राइट और फिर मैं मूव कर देता हूँ यहाँ से भी ये चीज़ तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सा पेंट बना है राइट यहाँ से आप इस तरीके से नीचे लेकर जा सकते हो मूव ब्रश सिक्स प्रेस करता हूँ इनफ्लेट ब्रश से ताकि ये वाला फिल हो जाए और ड्रैग रह्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखने के आ, हमें like, you know, कि हमें लाइक यू नो कितना तक दिख रहा है हमारा जो ये है मतलब इसका बेल्ट नहीं दिख रहा है राइट right? तो कोई मतलब नहीं बनता इसके अंदर का बेल्ट वेल्ट बनाने के लिए क्योंकि तो वो दिख ही नहीं रहा है वहाँ से तो एक बेस आप कह सकते हो यू uh, नो you know, हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा सा uh, इसको लाइक like क्लॉथ की ही फीलिंग देनी है हमें तो थोड़ा सा रेफरेंस भी हमें देखना होगा यहाँ पे और क्योंकि शूज़ है तो मैंने शूज़ को भी यहीं से ही बनाया है तो शूज़ का भी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है जैसे जैसे क्लॉथ और इसका है बस इसको डायनमिश करके इसको ही यू you नो know, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डी और यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ शूज के लिए लेता हूँ यहाँ पे मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ ठीक है और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एस करता हूँ तो ये जो आप देख सकते हो मॉडल श्रिंक हो रहा है और कंट्रोल शिफ्ट और एक्स मैं प्रेस करता हूँ तो ये ग्रो होता है ठीक है तो कंट्रोल शिफ्ट एस से श्रिंक होगा और कंट्रोल शिफ्ट एक्स से ग्रो होगा ठीक है तो आप देख सकते हो मैं इन्वर्स करके यू you नो know, यहाँ पे मैं ग्रो कर सकता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एक्स से ग्रो होगा ग्रेजुअली ग्रो होगा जैसे होता है और फिर मैं चाहूँगा कि हाँ ठीक है यहाँ तक ठीक है ऊपर का लेयर मैं देख लूँगा लाइक यू you नो know, तो यहाँ पर एक्चुअली देखोगे तो शूज़ में भी दो लेयर है एक तो एक यू नो एक्चुअल शू है और उसके ऊपर एक रैप जैसा कुछ है तो यहाँ पर मैं थोड़ा श्रिंक कर देता हूँ मॉडल को तो इतना तक मैं शूज़ बना देता हूँ समझ लीजिए इतना शूज़ है गम बुट जैसा कुछ और फिर मैं इसको डिलीट हिडन कर देता हूँ ठीक है एंड देन फिर मैं इसको लाइक नो एक वाली प्रुक करके इसको डायनेज कर देता हूँ कंट्रोशिफ्ट डी सॉरी इसको कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं है सॉरी उससे डुप्लीकेट होगा यहाँ से हम डायनेज कर सकते हैं आप देख सकते हो बहुत लो रेजोल्यूशन आया मुझे रेजोल्यूशन चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ाऊंगा और देखूंगा कि कितना रेजोल्यूशन आ रहा है आप देख सकते हो मेरे पास शूज़ के लिए जो है बेस मैश रेडी हो गया बहुत ही जल्दी तो एक बेस मैच से आप काफ़ी कुछ यू you नो know, फिर यही है कि इसको हमें लाइक like, शेप देना होगा जैसे यहाँ पर है यू you नो know, क्योंकि ऑलरेडी पैर है हमारे पास बस अभी शूज का शेप देना है कैसे होता है वगैरह तो इसको लाइक like, स्मूथव करके एंड देन यू नो यहाँ पे इसको आप एनज कर सकते हो एंड देन एक्चुअली इस पूरे वीडियो में मैं आपको शूज़ बना के नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा यू you नो know? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ यहाँ पे यू you नो know, कैसे कैसे मैंने इसको यू नो वर्क किया था इस तरीके से लाइक like, शूज़ के लिए फिर यू you नो know, आप uh, मैं प्रस्पेक्टिव अभी ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर इस साइड से देखना है प्रॉपर एग्जैक्टली साइड से देखना है इसलिए मैंने परस्पेक्टिव को ऑफ़ किया आप देख सकते हो यहाँ से मैं एक सोल जैसा भी बना सकता हूँ यू नो Uh, तो मैं मूव ब्रश पे आया हूँ और फिर इसको इन्वर्स थोड़ा इस तरीके से तो आप देख सकते हो यहाँ पे यू you नो know, इस तरीके का हमने सोल बना दिया है बहुत जल्दी और इसको मैं फ्लैट भी कर सकता हूँ ना तो यहाँ पे मेरे पास फ्लैटन ब्रश भी है तो मैं यहाँ से बहुत जल्दी फ्लैटन भी कर सकता हूँ मुझे पता नहीं मैं फ्रेम में क्यों काम कर रहा हूँ एंड देन आप अगर बहुत स्ट्रेट चाहते हो इसको कट करना तो काफ़ी सिंपल है कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कीजिए कंट्रोल शिफ्ट क्लिक और यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रिम कर्व ठीक है ट्रिम कर्व से आप यहाँ से इस तरीके से कट कर सकते हो बहुत ही स्ट्रेट कट होगा यहाँ से और फिर आप यहाँ से यू you नो know, तो यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम शूज़ बनाने के लिए ना तो बहुत ही जल्दी अपनी प्रसफेक्टिव ऑन करता हूँ एंड देन जो शेप का शूज़ का यू you नो know, जैसे इमेज में दिख रहा है वगैरह या फिर आपने कुछ इमेज लिया हो इस तरीक़े का कहाँ गया तो इस तरीके का कुछ आपने इमेज लिया तो आप यू नो यहाँ पे देख सकते हो कैसे इसका यू नो शेप जा रहा है वगैरह तो इसमें भी काफ़ी वक्त जाएगा इसमें तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ थोड़ा ये से बड़ा होगा आप और भी रेफरेंसेस निकाल सकते हो शूज़ के प्रॉपरली इसे बनाने के लिए लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना कि हम एक्चुअली ये बना रहे हैं तो इसके शूज़ के अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए तो वैसे हम यू यह नो यहाँ पर कर सकते हैं और एक बार आपने शेप बना लिया समझ लीजिए ये मैंने बेस मैश का शेप बना लिया मैं इसको अभी लाइक कंप्लीट नहीं करूँगा इस ट्यूटोरियल के लिए ठीक है तो अभी समझ लीजिए मुझे इसको अभी यह हमारा बेस मैश रेडी हो गया राइट लेकिन इसकी टोपोलॉजी जो है यू नो प्रॉपर नहीं है हमें प्रॉपर टोपोलॉजी चाहिए ताकि हम पेंट कर सके आगे जाके तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरे पास रेज्रेशन कम है थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड करता हूँ दो बार डिवाइड कर देता हूँ ताकि यू नो स्कर्टिंग के टाइम पे यू नो समझ लीजिए आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डिटेल्स है पैर की तरफ जैसे यहाँ पर गए हुए हैं तो मैं इस तरीके का डिटेल जो है यहाँ पर बना लूँगा इस तरीके का आई डोंट नो लाइक मैं बहुत अभी फास्ट कर रहा हूँ ऐसा कुछ फिर ये कुछ इस तरीके का ये एक्चुअली यहाँ से है मैं अंडू कर देता हूँ सॉरी uh, यहाँ से यू नो यहाँ से और यहाँ से ऐसे है एंड देन ऐसे जाके, यू नो समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे कुछ बनाया है ठीक है सिमिलरली हमने यू you नो know, इस तरीके से ऐसे कुछ बनाया है ठीक है तो uh, इस तरीके का है दोनों तरफ और uh, हम यहाँ पे भी बना सकते हैं इस तरीके से कि इसमें है लेकिन अगर आप यू नो मैंने कुछ इसमें है वैसे लेकिन मैंने तो नहीं बनाया लाइक like, आप यहाँ पे देख सकते हो इसके शूज़ में ये शूज़ कैसा ये काफ़ी ये शूज़ मुझे थोड़ा पसंद आया हालांकि थोड़ा ब्लर है लेकिन यू नो काम कर जाता है यहाँ पे आप देख सकते हो इनके शूज़ कैसे है यू नो जैसे लेदर वाले होते हैं शूज़ पॉलिश शूज होते हैं उस तरीके के ये शूज़ थोड़ा सा यू नो लेदर ही नहीं है ये थोड़ा कुछ कपड़े का है हार्ड हार्ड क्लॉथ का है आई डोंट नो कौन से मटेरियल का है, लेकिन आप समझ सकते हो उसको तो यहाँ पे आप ऐसे डिटेल है मान लीजिए आपने ऐसे कुछ बनाया है यू नो पीछे से भी कुछ बनाया है डिटेल ऐसा कुछ है वगैरह आई डोंट नो ऐसे कुछ यू नो बड़े स्टॉक से आप मार सकते हो यहाँ से आप क्या कर रहे हो एक्चुअली यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि ये मेरा रेफरेंस गाइड है राइट right? इसको आप डेसीमेट करके लेकर जा सकते हो माया में और फिर अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर यू नो री कर सकते हो तो मैंने आपको डेस्टमेशन मास्टर भी बताया था जो कि जी प्लग में होता है यहाँ पर आप ले सकते हो एंड देन डेस्टिशन मास्टर यू नो फ्रीज पॉडर करेंट तो ये जो है प्री प्रोसेस करता है जो करंट मॉडल है जो करंट सब टूल हमने सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हो ऊपर जो है ऑपरेशन कम्प्लीट दिखा रहा है तो ये हो गया है आप देख सकते हो यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट uh, इसका जो है मॉडल uh, डेसीमेट होगा जो जैसे मैं डेसीमेट करंट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलीकॉन चेंज हो रहा है मैं अंडू कर देता हूँ आप देख सकते हो वन लैख एटी फोर थाउजेंड है अगर मैं डेसीमेट करंट करता हूँ तो ये थर्टी सिक्स थाउजेंड पर आता है और आप पॉलीफ्रेम uh, करके देख सकते हो कितना लो है आप चाहे तो और भी लो जा सकते हो यू नो दस ये क्या करता है डिटेल को रिटेन रिटेन रखता है आप देख सकते हो जो हमने डिटेल दिया था वहाँ पर देख सकते हो कितना पॉलीगॉन उसने दिया है लेकिन जहाँ पर ज़रूरत नहीं है जैसे ऊपर ज़रूरत नहीं है तो उसने पॉलीगॉन वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है इस परसेंट के हिसाब से राइट तो अगर मैं फिर से टेन परसेंट में करता हूँ डेसीमेट आप देख सकते हो उसने कम कर दिया आप देख सकते हो अठारह हज़ार हो गया छत्तीस से तो लेकिन वो डिटेल जो है इसको मेंटेन रखता है आप ये अठारह हज़ार वाला पॉइंट्स जो है आप लेकर जा सकते हो माया में और फिर वहाँ पर आप यू you नो know, आप टोपोलॉजी वहाँ पर आप कर सकते हो तो आते हैं गाइज़ एक्चुअल मॉडल में तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने उस तरीके का शूज़ बनाया हुआ है जैसे मुझे चाहिए ठीक है और मैं थोड़ा आउट करके दिखाता हूँ और वैसे ही मैंने क्लॉथ भी स्कर्टिंग किया है हैंड को भी स्कल्टिंग किया हुआ है और फेस अगर आप देखोगे यहाँ पे तो वो वही फेस है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है सिर्फ ऐसे ही फेस को रखा है ठीक है तो फेस में आप देखोगे एक्चुअल मेरा रेंडर आप देखोगे तो उसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है सिर्फ शेडिंग में ही मैंने काम किया है वहाँ पे आ, शेडिंग और कलर में मैंने काम किया है दैट्स इट और मेरा मॉडल वही का वही है आप देख सकते हो कोई आई बॉल नहीं कुछ नहीं ठीक है और क्योंकि इसके ऊपर जो है ये फेस मास्क जो है आया हुआ है ये सारा सब कुछ जो है मैंने वैसे ही एक्सट्रैक्ट करके निकाला है कुछ यू नो स्पियर बना के और फिर रिटोपोलॉजी करके मैंने इस चीज़ को बनाया है और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कुछ होल्स है वगैरह वगैरह ठीक है और ये स्ट्राइप्स भी काफ़ी बनाना आसान है माया में भी आप बना सकते हो कुछ चीज़ें मैंने माया में बनाई हैं जैसे यू नो ये ये वाली चीज़ हो गई है ये ये वाला तो ये वाला काफ़ी सिंपल है लाइक आप माया में यू नो बॉक्स बना के आप थोड़ी सी थिकनेस देकर आप यू you नो know, कर सकते हो ठीक है और ये भी काफ़ी मैंने सिंपली जो है इसको मैं सॉलो कर देता हूँ आप देख सकते हो आ, कुछ इस तरीके का मैंने डिटेल बनाया था ठीक है और मुझे पता है कि और ये मैंने माया से आ, उठा उठाने के बाद मैंने आप इसकी पॉली फ्रेम भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा है आप वन में भी देखोगे तो काफ़ी यू you नो know, काफ़ी अच्छा खासा पॉलीगौन है यहाँ पर ठीक है और इसी को ही मैंने यू you नो know, फिर आगे जाके स्कर्पिंग करने के बाद इसी को ही मैंने एज अ प्रॉप बेक करके वगैरह वगैरह सबसे पेंटर में इसको मैंने पेंट किया था ठीक है पता नहीं ये फ्रेम में क्यों नहीं आ रहा है ठीक है तो ये कुछ वेयर एंड टेयर मैंने किया था कुछ ब्रशेस अल्फा ब्रशेस मैंने यूज़ किए थे ये आ, ये करने के लिए और और देखते हैं ओवरऑल मॉडल देखते है सोलो से मैं ऑफ चाहता हूँ ठीक है और यहाँ पे हम देख सकते हैं चेस्ट प्लेट मैंने एक बनाया है आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का कुछ होल बनाया कुछ मैंने माया और यू नो सॉरी जी ब्रश का मैंने यूज़ किया है आप देख सकते हो ये ये चीज़ बनाने के लिए भी मैंने आ, माया से ही कट करके यू you नो know, थिकनेस देने के बाद उसको कट कर कर दिया है वहाँ पर और और भी देखते हैं क्लॉथ तो लाइक आप देखोगे इसको मैं सोलो करता हूँ तो इस तरीके का है हालांकि इसका इसके ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप अगर चेस्ट प्लेट निकालोगे यहाँ से सब टूल में देखते हैं चेस्ट प्लेट चेस्ट प्लेट कहाँ है चेस्ट प्लेट को मैं हटा देता हूँ ठीक है तो इस तरीके का कुछ दिखाई देगा आपको तो इतना सा ही जो है मॉडल हुआ हुआ है आप देख सकते हो तो यहाँ पे गैप है जो कि दिखाई नहीं देने वाला है हालाँकि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा ये चीज़ मैंने क्यों बनाया क्योंकि वो ये ऑलरेडी कवर हो रहा है चेस्ट प्लेट से तो कुछ मतलब नहीं बनता लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है तो शायद से मैंने वो सोच के मैंने बनाया होगा चीज़, ये चीज़ यू नो कि वहाँ से दिख रहा है तो ऑफ़कोर्स वो वो दिखना चाहिए एक्चुअल में ये भी आप देख सकते हो ये अलग ही मैश है आप इसकी पॉलीफ्रेम भी देख सकते हो काफ़ी मीडियम है आप यू नो तो इतना पॉलीगॉन है ये भी मैंने सिंपली माया में बना के एंड देन यहाँ पर लेकर आया हूँ और फिर मैंने इसको प्रोजेक्शन मास्टर से प्रोजेक्ट किया है जो कि होता है आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कुछ होता है एंड देन ये समझ लीजिए ये स्ट्रेट है इस तरीके का ठीक है तो इस तरीके का हम यू uh, नो you know, स्ट्रेट कैसे करें यहाँ पर तो यहाँ पर ब्रश होता है बी जेड और जी प्रोजेक्ट ब्रश तो ये क्या करता है प्रोजेक्ट कर देता है तो जैसे मैं क्लिक और ड्रैग करता हूँ सॉरी हालांकि ये बहुत स्टैंड है लाइक like ये कैलकुलेट करता है इसके अंडर नीत मैश के ऊपर आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है इसमें हालांकि मैंने यही ब्रश थोड़ा सा यूज़ करके एंड नो you know, इसके ऊपर ऐसे चिपका दिया था लेट्स सी आगे जाते हैं हम और यहाँ पर आप भी देख सकते हो यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे बेल्ट्स हैं इस तरीके के मैंने बेल्ट्स मैंने बनाए यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ मैंने यू नो माया माया से ही बनाया क्योंकि काफ़ी इजी हो जाता है माया में बनाना आ, बहुत कुछ है फिर यहाँ पर आके यू नो हम यहाँ पर स्कल्ट कर सकते हैं मुझे पता है कि मैं सबसे मेटर में ही इसको मैं डिटेल करने वाला हूँ तो मैंने जितना हो सके मैंने जैसे इस मेटल को मैंने यहाँ पर यू नो स्क किया है और इस क्लॉथ को मैंने स्कल्प किया है एंड देन इस इसको भी मैंने लाइक डिटेल दिया है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये यह जो चीज़ है तो ये सब कुछ मैंने ज़ी स्पियर से बनाया है ठीक है और कुछ ये वाली चीज़ें है आप देखोगे इसको मैं सोलो कर देता हूँ एक मिनट अगर ये अलग है आई डोंट नो आप देख सकते हो इस तरीके का मैंने कुछ मैच बनाया है तो ये लेस जो है ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है एक्चुअली ये इतना सा ही है छोटा सा ही पीस है अगर मैं सिर्फ इसको हाइड कर देगा तो देखिए इस तरीके का मैश जो है मैं इसको थोड़ा लो कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए ठीक है तो ऐसे ही कट है कुछ इसमें किसी से कनेक्शन नहीं है जस्ट यू नो वहाँ पर है दैट्स इट एंड देन ये सब कुछ लाइक टोपोलॉजी माया में ही करके एंड देन जी ब्रश में लेकर आके और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये जो आ, जो होल है ये होल मैंने एक्चुअली जी ब्रश में किया है माया में होल करना थोड़ा सा मुश्किल है ज़ी ब्रश में होल करना काफ़ी आसान है मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको मैं सोलो कर देता हूँ यहाँ से ठीक है और सिर्फ मैं इतना पोर्शन लेता हूँ अभी के लिए उ यहाँ से मैं सिलेक्शन लेता हूँ ठीक है मान लेते मैं इसको एक डुप्लिकेट लेता हूँ ठीक है इसको मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ ठीक है ताकि मैं काम कर सकूँ इसमें ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जी मॉडलर ब्रश आप देख सकते हो तो इसके डिवीजन लेवल है तो जी मॉडलर ब्रश बी जेर एम ठीक है इसका शॉर्टकट की है तो जैसे मैं क्लिक करके करता हूँ तो आप देखोगे ना यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सब डिवीजन लेवल है तो शायद से काम नहीं करेगा मूव है देखो एक्शन कैंसिल मैश हैज लेयर्स राइट तो यहाँ पे लेयर्स हैं आई थिंक हाँ लेयर्स है ये सब डिवीजन लेवल पे एक्चुअली काम नहीं करता है तो लाइक पे कॉल करना मुझे पड़ेगा मुझे और फिर मुझे सबसे लोएस्ट सब डिवीज़न में आके यू नो मैं आई थिंक यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि मैश है सब डिविजन लेवल्स बता रहा है तो हमेशा डिलीट हायर मुझे करना होगा और फिर मैं यहाँ से यू नो कुछ भी कर सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नॉर्मली होता है क्यू मैश वग़ैरह जैसे पॉलीकॉन एक्शन आप मेरे जी मॉडलर ट्यूटोरियल में देख सकते हो मैंने इसमें थोड़ा सा समझाया हुआ है कि कैसे यूज़ करते हैं हालांकि हमें यहाँ पर होल मुझे आपको होल दिखाना है ये मैंने ये होल्स कैसे किए तो काफ़ी आसान है यहाँ पर करना तो यहाँ पर मैं पॉइंट पर आता हूँ स्पेस पर प्रेस करता हूँ और ये स्प्लिट स्प्लिट uh, का ऑप्शन होता है यहाँ पर और यहाँ पर टारगेट है पॉइंट तो जैसे मैं क्लिक और ड्राई करता करता हूँ तो आप देख सकते हो ये इस तरीके का कुछ सर्कल आ गया है ठीक है और मुझे सेम चीज़ नीचे भी चाहिए मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सेम जा रहा है तो सिमिलरली समझ लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए तो मुझे जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ज, जितना यहाँ पर वैल्यू है उतना ही वैल्यू का आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा तो इस तरीके से मैंने यू नो नोस यहाँ पर ऑटो प्रोजेक्ट ऑटो सेव हो रहा है एक मिनट ये हो जा ठीक है तो इसी तरीके से यू नो साइड पे भी हम कर सकते हैं इस तरीके से तो एक बार ये हो जाने के बाद हम यू you नो know, इसको डिलीट कर सकते हैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करके यू नो डिलीट कर सकते हैं तो डिलीट करने के लिए काफ़ी सिंपल है इसको बस सेलेक्ट करो और फिर डिलीट करो एंड देन डिलीट हिडन कर दो समझ लीजिए आपने हमने डिलीट कर हिडन कर दिया एक्चुअली सब कुछ गया जो बाकी का भी पॉलीगॉन you know, था तो मैं इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी डबल कर देता हूँ और यहाँ से मैं क्यू मैश करता हूँ क्यू मैश है पॉलीग्रुप आइलैंड एंड देन इसको मैं अंदर की तरफ लेके जाता हूँ ठीक है uh, मान लेते हैं अगर हम बाहर करते हैं आप देख सकते हो ये बाहर है तो कभी कभार जो होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी में एक्चुअली डबल ऑन है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली अगर मैं क्लिक और ड्रैक कर रहा हूँ आप देख सकते हो मैश कुछ अजीब सा दिख रहा है राइट right? तो ये गलत है ठीक है अगर आपको अंदर दिखाना है तो एक्चुअली क्या हो रहा है इसका नॉर्मल जो है हमें फ़्लिप करना होगा तब तो ये गलत है अगर आपने डबल सेलेक्ट करके काम कर रहे हो तो ये गलत uh, होगा ठीक है आपको डबल ऑफ करना है फिर आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लिप ऑप्शन है इसका मतलब है आप नॉर्मल को फ़्लिप कर रहे हो तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे फ़्लिप और क्यों नहीं बता रहा है मॉफ टारगेट मॉफ टारगेट पॉइंट्स ट तो शायद से इसमें मॉफ टारगेट है या इसमें मॉफ टारगेट है तो यहाँ से मैं डिलीट मॉफ करता हूँ यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ आप देख सकते हो आ, यहाँ पर मेरे पास डिटेल आ गया मैं यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ डायनमिक्स सब डिवाइड के लिए और ऑलवेज यस करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेलिंग जो है काफ़ी अच्छी आई है हम यहाँ पे क्लीन अप कर सकते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे शिफ्ट डी अगर आपको ये स्मूथ चाहिए आप देख सकते हो यहाँ पे यू नो क्रीज़ आया हुआ है तो मैं शिफ्ट एफ प्रेस करता हूँ शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ उस मोड से बाहर आने के लिए एंड देन यहाँ पर आता हूँ मैं जोमेट्री में और क्रीज़ और अनक्रीज़ ऑल कर देता हूँ आप देख सकते हो वो जो क्रीज़ का जो है कंट्रोल जेड में कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए फिर से तो ये जो क्रीज आप देख सकते हो बहुत छो माइन्यूट है यहाँ पर लाइन ठीक है तो जैसे आप डी प्रेस करते हो तो ये हार्ड हो जाता है राइट तो हमें वो हार्ड नहीं चाहिए थोड़ा सॉफ्ट चाहिए तो मैं इसको अनक्रीज़ ऑल कर देता हूँ ताकि वो क्रीज सब कुछ निकल जाए और मैं अगर यहाँ पे डी प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड में आप देख सकते यहां हो यहाँ पे इतना सॉफ्ट हो गया है अगर आपको एक्चुअल में अच्छा और करना है तो आप यू नो पॉली फ्रेम में आके जी मॉडलर में आके आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो मैनुअली ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप पॉलीगॉन में आके बेवल भी कर सकते हो टू रोज कर देता हूँ मैं यहाँ पर तो एक बार आपने बेवल कर दिया जस्ट आपको बाकी इसमें सिर्फ सिलेक्ट करना है तो वो सेम वैल्यू जो है हमने लास्ट दिया था बेवल का वो सारे एजेस पर हो जाएगा इस तरीके से तो मैं आपको एक एक साइड का बता रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके का ठीक है तो आप देख सकते हो यहाँ पे और इसका डिफरेंस कैसे आ रहा है मैं डी कर, प्रेस करता हूँ फिर से और शिफ्ट एफ़ एफ प्रेस करता हूँ आप देख सकते हो इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ रहा है मॉडल का तो वैसे ही मैंने जो है मैं आपको अभी एक्चुअली फुल मॉडल का बताऊँगा अभी तो ऐसे ही मैंने यू नो स्टार्ट का भी किया था ठीक है यहाँ पे जो है तो सिमिलरली मैंने तो यहाँ पर भी किया था सो दैट्स इट ज़ी ब्रश के पार्ट में कि जस्ट आपको मुझे बताना था कि ये प्रोसेस कैसा था मेरा जी ब्रश का तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम जी ब्रश के मॉडल माया में लेकर जाके के रिटोपोलॉजी कैसे करते हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताते जाऊँगा शिकायज so आज के वीडियो के लिए बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं टिल देन बाय गाइज